गाइस, स्वागत है आपके आज की न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग में है शादी का पार्ट 3। दो पार्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं और तीसरा पार्ट है जिसमें जाएगी बारात। तो सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बारात में जाने के लिए नाच रहे हैं। माने बाली बरातोई ई तो के तेरी पर ई दुर्गा आ तो प्रे ई ई चाचा का लड़का सब इत्रु दोई हां मैं हां ब्याह नाचती वे दादी हां बा हां पुशवा पार चश्मे वाले जेडे की मुंडा गए छुगी। तो गाइस यहाँ पे देखो, वो जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये चश्मा सिर पे क्यों डाला हुआ है, पहना क्यों नहीं है। तो मैं इनको बता रही कि ये तो फैशन है। तो अब देखो बारात चल पड़ी है। सबसे पहले कुमकुम लगा रहे हैं और धूप डाल रहे हैं, तब जाके बारात निकलेगी। तो दूल्हे को निकाल रहे हैं दूल्हे के मामा जी, जो दूल्हे को गेट के बाहर निकालेंगे और अपनी गाड़ी तक पहुँचाएँगे, मतलब दूल्हे की गाड़ी तक पहुँचाएँगे। तो सभी बराती बारात में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और उसके बाद आप देख लो घर की लोकेशन, शादी वाले घर की लोकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही प्यारी आई है और बहुत ही अच्छी लोकेशन। तो दूल्हे की गाड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो ये देखो दूल्हे की गाड़ी भी बहुत ही सुंदर सजी हुई है और सभी लोग बारात में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और साथ में मैं भी चल पड़ती हूँ बारात के लिए। तो मैं हमारी गाड़ी थोड़ी आगे से लगी थी, तो मैं आगे आगे निकल रही थी ताकि गाड़ी में, मतलब गाड़ी के पास पहुँच जाऊँ जितने को दूल्हे की गाड़ी आएगी। तो दूल्हा गाड़ी में बैठ जाता है और मामा दूल्हे को छोड़ जाता है और दूल्हे की गाड़ी चल पड़ती है। तो अब देखो मैं भी साथ में जा रही हूँ गाड़ी के लिए, क्योंकि थोड़ी आगे जैसी थी दूल्हे की गाड़ी तो चल पड़ती है। तो फिर उसके बाद सब लोग अपनी अपनी सेटिंग पे लगे होते हैं और मैं और टुगू के पापा जाते हैं सबसे लास्ट, क्योंकि वो लगे होते हैं सबकी सेटिंग करने कि कोई लोग रहा तो नहीं, सब एडजस्ट करे कि बारात में चल पड़े जगह वगैरह के। तो उसके बाद बारात निकल पड़ती है और हम भी निकल जाते हैं। और यहाँ पे आती है दूल्हे की ताई, जो देखो डांस कर रही है, और बारात पहुँच जाती है। रास्ते में बहुत ही अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे भी हरे भरे पेड़ पौधे और लगभग 35 से 40 गाड़ियों के बीच में हमारी बारात थी, बहुत बड़ी बारात थी। तो बारात रास्ते में पहुंच जाती है तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो यहाँ पे देखो टुगू के नाना, टुगू के दादा और रिलेटिव भी रास्ते में एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है पुल जहाँ पे मामा दूल्हे के मामा को देना पड़ता है गाड़ी वालों को कुछ, मतलब पैसे वगैरह शगुन। तो उसके बाद उतर जाते हैं थोड़ा आगे जैसे और, जहाँ पे दूल्हे की है बहन, उन्होंने रखा होता है चाय पानी का इंतज़ाम। तो सबको चाय पानी पिलाते हैं और सभी लोग बैठ जाते हैं अच्छे से, पर मैं आपको नज़र नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं उधर पीछे से खड़ी थी। और हमारे साथ एक छोटी जैसी ट्रेजिडी हो गई थी आते टाइम रास्ते में, जब बारात जा रही थी तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हम फिर ऐसे ही खड़े खड़े वहाँ पर चाय पी। तो गाड़ी में तो सभी सेफ थे, किसी को लगी नहीं, पर गाड़ी को चोट आई थी। तो बाराती देखो अब दुल्हन के घर के पास पहुंचने वाले थे, तो वो यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना था। तो सभी नाचते नाचते जा रहे थे और नाचने का भी खूब मज़ा ले रहे थे। अरे सब माँ पे चुवागा नाट रहे किन पार है पार पार ये और किसी के पार कौन मंगे मंदर में शाला आई कौश मावल पार जालू मुंह तो आ रहे सो तो दो ठोंड दो स्कूल जो कौन लोग आप आ चुस्तू आ चोले जालू आ पार है
अरे बस। तो गाइज ये है दुल्हन का घर जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और ये भी बहुत ही जंगलों के बीच में है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लोकेशन, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। तो यहाँ पे होती है थोड़ी सी पूजा क्योंकि दुल्हन को ले जाना पड़ता है तेल, तो दूल्हे को पहले बाहर ही बिठाया जाता है चाय पानी पिला के, उसके बाद पूजा की जाती है। दुल्हन को तेल लेके जाते हैं तो पंडित जी आते हैं, दूल्हे से पूजा वगैरह करवाते हैं और उसके बाद तेल लेके जाते हैं। तो फिर तेल ले जाने के बाद पूजा वगैरह तो हो जाती है, फिर आती है स्वागत की बारी। तो सबसे पहले मिलनी होती है दूल्हे के पापा की और दुल्हन के पापा की। तो मिलनी होने के बाद उसके बाद आती है दूल्हे के मामा और दुल्हन के मामा की बारी। तो अब देखो अब मिलनी हो रही है दूल्हे के मामा और दुल्हन के मामा की मिलनी। तो उसके बाद आती है दूल्हे के स्वागत की बारी। तो उसके लिए खड़ी होती है दूल्हे की सालियाँ जो कि दूल्हे का स्वागत करेगी, अपने जीजू का स्वागत करेगी। बहुत सारी सालियाँ थी जो कि अपने जीजू के स्वागत के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो वैसे यही दिन होता है सालियों को अपने जीजू को थोड़ा सा लूटने के लिए, पैसे पुसे लेने के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाता है, सालियों और जीजू के बीच में थोड़ी बहुत सी खट्टी मीठी तकरार हो जाती है और दूल्हे का स्वागत करते हैं। तो यहाँ देखो दूल्हे को मिठाई खिलाई जा रही है और दूल्हा शर्मा मतलब मना कर रहा है कि मिठाई नहीं खानी है, तो सभी लोग भी देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हो जाती है थोड़ी सी लड़ाई पैसों के पीछे। तो फिर लड़ाई होने के बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, तो दे देते हैं रिबन कटिंग। तो रिबन कटिंग हो जाती है, उसके बाद दूल्हे को ले जाता है अंदर। तो दूल्हे के स्वागत करने के बाद किया जाता है, जो और भी आए होते हैं बराती उनका स्वागत करते हैं अच्छे से, उनको कुमकुम लगा के और मतलब ये फूल का हार लगा के स्वागत करते हैं। फिर उसके बाद दूल्हे के पैर वगैरह धुलाए जाते हैं और फिर दुल्हन दूल्हे की थोड़ी सी पूजा होती है। फिर उसके बाद दूल्हे को दूल्हे की पूजा करने के बाद दूल्हे की सासू माँ, तो यहाँ पे दूल्हे का हो रहा है स्वागत। और अब देखो दूल्हे की सासू माँ दूल्हे को डोरी लगा के लेके जाती है अंदर, मतलब लगन के पास जहाँ पे लगन लिया जाएगा। तो डोरी बांध के सासू माँ पकड़ के और पहुँचा देती है लगन, और यहाँ पे लगन हो जाता है और दूल्हे को लेके आती है बेदी में, जहाँ पे बेदी बनाई होती है। तो थोड़ी सी पूजा की जाती है ससुर के साथ। तो पूजा होने के बाद किया जाता है दुल्हन का स्वागत। तो दुल्हन आ जाती है और दूल्हा खड़ा हो जाता है दुल्हन के स्वागत के लिए, और दूल्हे का दूल्हा दुल्हन का स्वागत करता है। तो उसके बाद होती है रस्म शुरू, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। तो ढक्के पहनाते हैं, ये हमारे रिवाज में है कि दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने से पहले ढक लिया जाता है और फिर दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। तो मंगलसूत्र बनाने के बाद ये दूसरे एक दूसरे के हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद आती है बारी कन्यादान की। तो दुल्हन के मम्मी पापा करते हैं दुल्हन का कन्यादान। तो कन्यादान करने के बाद आती है कुछ पूजा की रस्म, जिसमें फिर से कुछ मतलब अग्नि में घी वगैरह डाला जाता है। तो दूल्हा दुल्हन के मुंह को पूरी तरह से ढक लिया जाता है ताकि वो इसको ना देख पाए, कुछ होता है पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो इसलिए दूल्हे दुल्हन का मुंह पूरी तरह से ढक लिया था और इस विधि को पूरी तरह से निभा लिया था। फिर उसके बाद आती है दूल्हे दुल्हन के बाद आती है सात फेरों की बारी, मतलब सात वचन की बारी, जिससे शादी पूरी तरह से संपूर्ण हो जाती है। तो उसके लिए दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाते हैं और मतलब सात फेरे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए चार भाई वेदी के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और एक भाई मतलब दुल्हन को पकड़ता है और आगे आगे लेके जाता है। तो इसी तरह से सात फेरे लगाते हैं। सात फेरे लगाने के बाद शादी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, पर बरमाला रह जाती है, वो उसके बाद होगी। तो ये है सात फेरों, मतलब सात फेरों में से सबसे लास्ट फेरा जो अभी ले रहे हैं। हाँ।
तो यहाँ पे फेरे हो जाते हैं बिल्कुल समाप्त, और फिर थोड़ी सी पूजा की जाती है दूल्हे दुल्हन की फेरे लेने के बाद। तो पूजा होने के बाद दूल्हा दुल्हन देखो एक दूसरे के साथ गप्पे मारे, क्योंकि इनका काम थोड़ा सा भी फ्री हो जाते हैं पूजा लेने के बाद। तो फिर उसके बाद होता है मंचन मंचाओ, मतलब लेन देन का काम, दुल्हन के कोई रिलेटिव जो दुल्हन को कुछ देना चाहता है दूल्हे दुल्हन को, तो फिर वो देते हैं। तो फिर सभी रिश्तेदार दे देते हैं, लेन देन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आती है धर्म भाई की बारी। हमारे रिवाज में ऐसा है कि शादी को धर्म भाई बनाना बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है, तो ज़रूर ही बनाते हैं धर्म भाई। तो यहाँ पे भी धर्म भाई बना रहे हैं। फिर उसके बाद धर्म भाई बन जाता है, तो फिर उसके बाद दूल्हे दुल्हन की थोड़ी सी और पूजा हो जाती है। तो फिर पूजा करने के बाद साली अपनी दीदी और जीजू को पढ़ाती है शुभ शिक्षा, जो साली लेके आती है, जो शुभ शिक्षा दूल्हे दुल्हन को पूरे समझाती है पढ़ाती है साली साहिबा, ये साली की तरफ से। तो उसके बाद लगाया जाता है सिंदूर, मांग भरी जाती है, दूल्हा दुल्हन की मांग भरते हैं अपने ही रिवाज में। तो मांग भरने के बाद मांग पूरी तरह से भर जाते हैं। उसके बाद अब आएगी बारी बरमाला की। तो बरमाला के लिए दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाते हैं और स्टेज पे जाते हैं, दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ के जाते हैं। तो दोनों हाथ पकड़ के चले जाते हैं स्टेज पे, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों, बहुत ही सुंदर जोड़ी। तो स्टेज पे चले जाने के बाद दोनों का साथ में फोटोशूट होने लगता है। तो फोटोशूट होने के बाद थोड़ी देर में आ जाती है दूल्हे की साली, जो लेके आती है बरमाला। तो बरमाला दे देती है दूल्हे दुल्हन के हाथ में। तो बरमाला देने के बाद थोड़ा सा फोटोशूट हो जाता है, और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को बरमाला पहनाते हैं, दोनों झुके पहनाते हैं। हमारे रिवाज में माना जाता है कि बरमाला झुके पहनाए तो रिश्तों में भी एक दूसरे के साथ मिलनसार और एक दूसरे के साथ मतलब झुके रहते हैं। तो गाइज अभी रहता है सिर्फ विदाई और रिसेप्शन, जो आपको बताऊंगी मैं वीडियो पार्ट 4 में। तब तक के लिए तब तक मेरी वीडियो पे बने रहिए, सब्सक्राइब करना मत।